कब आएंगे? जब आप यहाँ से इस पर रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करोगे तब आएंगे ये वाले ऑप्शंस, ठीक है। मार्क एरिया टू कीप, मार्क एरिया टू रिमूव, डिलीट मार्क एरिया, डिस्कार्ड ऑल चेंजेस और कीप चेंजेस। अपन डिस्कार्ड कर देते हैं। आ गया इतना समझ में? अब इसके बाद अगला ऑप्शन है करेक्शंस। करेक्शंस पर क्लिक करेंगे तो करेक्शन के साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है आपको। आप इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, अपन पिक्चर को थोड़ा सा यहाँ पर खिसका लेते हैं ताकि अपन को इसमें जो भी चेंजेस करें वो दिखे। थोड़ा सा अपन नीचे लेकर आते हैं, दिख रहा है? आप जिस भी ऑप्शन के ऊपर लेकर जा रहे हो यहाँ पर थोड़ा सा उसमें अलग सा ही इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पर ऊपर लिखा है शार्पन सॉफ्टन, ये पांच या छह ऑप्शन, जितने पांच ऑप्शन है ये शार्पन सॉफ्टन के हल्का सा इसमें इफेक्ट आता है। नीचे क्या लिखा है वो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, यहाँ से आप ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट वाले ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, ब्राइटनेस क्या होता है? ब्राइटनेस ये इस टाइप की जो पिक्चर को आपको बहुत ज्यादा लाइट में करना है, ठीक है। और डार्कनेस मतलब कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब थोड़ा सा आपको पिक्चर को डार्क करना, ठीक है। अब अपन यहाँ से अगर पिक्चर करेक्शन ऑप्शंस पर आप जाएंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएंगे। देखिए शार्पन सॉफ्टन, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पर प्रीसेट्स में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पांच ऑप्शन आ रहे हैं, ये वाले ऑप्शन, ठीक है। नीचे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर वो प्रीसेट में इसके नीचे वाले ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते हो, आप नॉर्मल ले सकते हो, लेकिन इसमें भी आपको कोई एडिटिंग करनी है तो फिर आप कहाँ से कर सकते हो, यहाँ से आओगे आप पिक्चर करेक्शन ऑप्शन पर, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से पहले ये वाला देखते हैं, शार्पन में से आपको जो भी सिलेक्ट करना है यहाँ से कर लो या वहां से कर लो एक ही बात है। यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है शार्पन, अगर अपन इसको बढ़ाते तो ये पिक्चर ज्यादा शार्प हो जाएगी। यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा इफेक्ट आ रहा है, दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर कम कर देंगे तो कम हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा कम कर देंगे तो ज्यादा कम हो जाएगी, ब्लर टाइप की हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करना है तो ऊपर वाला एरो सिलेक्ट पर क्लिक करो, ठीक है। धीरे धीरे होगी, थोड़ा बहुत इफेक्ट डालना है, नीचे वाले पे करोगे तो कम होगा, ठीक है। अब इसके बाद ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, इसमें से कोई एक चूज करो, जैसे कि हमने इसका ये वाला ऑप्शन चूज कर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या हमें ब्राइटनेस बढ़ानी है इसकी, तो हम इसको आगे की साइड किसका आएंगे, बढ़ रही है, अगर आप यहाँ इस पे क्लिक करेंगे तो भी बढ़ेगी, ठीक है, और इस पे क्लिक करेंगे तो कम होगी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी करके बढ़ानी है। नीचे है कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट अगर बढ़ाना है यहाँ पर इसको किसका आएंगे, देखिए बढ़ रहा है कॉन्ट्रास्ट, पिक्चर थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक हो रही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि उसमें ब्राइटनेस कितनी रखनी है, कॉन्ट्रास्ट कितना रखना है, ठीक है। अगर आपने इसमें कुछ चेंजेस करा है, आप उसको नॉर्मल करना चाहते हैं, जैसी थी पिक्चर वैसी करना चाहते हैं, तो अपन यहाँ से रीसेट पिक्चर पर क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगी जैसी अपन ने ली थी। इतना आ गया समझ में? अब इसको हटाना है तो यहाँ से क्लोज कर दो, ठीक है। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर, ये ऑप्शन क्लियर है, यहाँ से अपन पिक्चर में कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं। अब इसके बाद अगला है कलर, आप पिक्चर में कोई कलर टाइप चाहते हैं, जैसे कि हमने येलो सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए येलो कलर की, तो इस तरह से आप कोई कलर करना चाहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मोर वेरियंट्स पर जाएंगे तो और कलर का ऑप्शन आएगा, जो भी कलर आपको रखना है पिक्चर उस कलर की हो जाएगी, ठीक है। इतना कर लेंगे। इसके बाद अगला है सेट ट्रांसपेरेंट कलर, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका माउस पॉइंटर इस तरह से आ जाएगा, आपको जगह सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर से जा रहे हैं, इस तरह से हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर आता है थोड़ी सी जगह में, और हल्का सा यहाँ पर ये आपको डॉट डॉट से बने हुए दिखना, ट्रांसपेरेंट हो जाती है और कुछ नहीं होता इससे। इसके बाद यहाँ पर पिक्चर कलर ऑप्शन पर जाएंगे तो आपके सामने जैसे अपने पास करेक्शन वाले ऑप्शन खुले थे, इसी तरह से आपको कलर वाले ऑप्शन खुल जाएंगे। देखिए ऊपर किसका आ रहा है, पिक्चर करेक्शंस, नीचे क्या आ रहा है, पिक्चर कलर। अपन ये वाला मतलब एक ही में सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, अपन को ये वाले ऑप्शन कर चुके हैं, नहीं चाहिए तो इस पर क्लिक कर दो, ये मिनिमाइज हो जाते हैं। देखो इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी मिनिमाइज हो जाएंगे, तीन ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर, पिक्चर करेक्शन, पिक्चर कलर और क्रॉप। अपन को पिक्चर कलर वाले चाहिए, क्लिक क्लिक करेंगे, ठीक
ठीक है, प्रीसेट वही ऑप्शन आ रहा है, प्रीसेट में आपको कौन सा कलर लेना है, मतलब यहाँ से आपने जो भी कलर चूज किया, मान लीजिए हमने यहाँ से ये वाला कलर चूज किया, तो यहाँ पर उसी कलर से रिलेटेड ऑप्शन आने लगेंगे। ठीक है, जो भी लेना है आप ले लेंगे। अब इसके बाद क्या आ रहा है, सैटुरेशन, इसको बढ़ा सकते हैं आप, बढ़ाएंगे तो इस तरह से होगी, कम करेंगे तो इस तरह से होगी, जैसा भी आपको करना है। ठीक है, जो ऊपर भी थे ऑप्शन। इसके बाद कलर टोन, यहाँ से प्रीसेट से सिलेक्ट कर सकते हैं किस टाइप का चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट से क्या होता है, अगर आप इसको ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएंगे तो कलर लाइट होता है, ट्रांसपेरेंसी को कम करेंगे तो कलर डार्क होता है। ठीक है, और रिकलर पर जाएंगे तो कलर आपको चेंज करना है यहाँ से, कोई सा भी कलर वो ले लेंगे और कलर चेंज हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना, रिसेट कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद आर्टिस्ट इफेक्ट, आर्टिस्ट इफेक्ट से आप अपनी पिक्चर में कुछ इफेक्ट वगैरह डालना चाहते हैं, इस जिस तरह से आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो भी पिक्चर लेंगे आप वो यहाँ पर आपको दिखने लगेगी, इस तरह से दिखेगी, इस तरह से दिखेगी, जैसी भी आपको इफेक्ट डालना है यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, हमने मान लीजिए ये सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आर्टिस्ट इफेक्ट ऑप्शन पर जाएंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएंगे, इसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं रहते, सिर्फ एक प्रीसेट का रहता है और एक रहता है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी में आपको किस तरह का रखना, ज्यादा करना है कम करना है। ठीक है, और ये ऑप्शन है डिटेल्स का, इससे भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो इस तरह से होगा, कम करेंगे तो इस तरह से होगा, रीसेट पर क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। अब आप बताइए, इतने में कोई डाउट है, आगे बता दें या फिर इतना ही ठीक है बता दें। अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है कंप्रेस पिक्चर, इस पे ये कब ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे तब नहीं आएगा, जब आप इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो लिखा हुआ आ रहा है कंप्रेस पिक्चर, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर, डिलीट क्रॉप्ड एरियाज ऑफ पिक्चर, ये वाला ऑप्शन अभी आप यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दोगे तो आपको यहाँ कुछ भी अंतर समझ में नहीं आएगा। जब अपन पिक्चर वाले ऑप्शन में लास्ट में पढ़ेंगे, जब अपन पिक्चर को क्रॉप करते हैं तब ये वाला ऑप्शन यूज होता है, तो ये अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला ऑप्शन है चेंज पिक्चर, चेंज पिक्चर का मतलब है कि हमें इस पिक्चर में, मान लीजिए हमने यहाँ से कोई ये आगे बढ़ रहा है अपन, कोई किस स्टाइल से अपन ने कोई स्टाइल वगैरह दे दी है, जैसे कि हमने इस पिक्चर को फॉर्मेट कर लिया है, कलर वगैरह कर लिया है। ठीक है, अब हम इस पिक्चर की जगह पर दूसरी पिक्चर चाहते हैं, मतलब हमने इस पे बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग कर ली, कलर वगैरह कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब हमें बाद में पता चला कि हमें ये वाली पिक्चर नहीं लगानी थी, दूसरी पिक्चर लगानी थी, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से चेंज पिक्चर ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन देगा, ऑनलाइन वाला ऑप्शन अपन आगे पढ़ेंगे, अभी अपन पढ़ते हैं फ्रॉम आ फाइल, यहाँ से आप अपने कंप्यूटर से लेकर आ सकते हैं, अगर बाई चांस आपकी कंप्यूटर में नहीं है तो आप यहाँ पर बिंग इमेज सर्च से सर्च कर सकते हैं, ये कैसे आएगी, ऑनलाइन आएगी, सर्च करके लेकर आ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद वन ड्राइव पर्सनल क्या होता है, जैसे आपने अपने मोबाइल में ईमेल आईडी रहती है जिस पर अपन अपनी सभी फोटो वीडियो सेव कर देते हैं, इसी तरह से वन ड्राइव एक पर्सनल आईडी होती है माइक्रोसॉफ्ट की, उसके लिए अपन अपने पास वो आईडी होनी चाहिए, लॉगिन नहीं है इसमें तो अपन इसका यूज नहीं कर सकते, अभी लॉगिन करना पड़ता है। तो अपन क्या करेंगे, अभी फ्रॉम आ फाइल अपने कंप्यूटर से लेकर आ रहे हैं, तो इसमें ब्राउज पर क्लिक करेंगे, अपने सामने ऑप्शन दे दिए, जो भी इमेज आपको चाहिए आप उस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और इंसर्ट कर देंगे, तो देखो जो फॉर्मेटिंग उसमें थी वही की वही फॉर्मेटिंग आ गई और उस पिक्चर की जगह पर ये आ गई, रिप्लेस हो जाती है पिक्चर, इतना क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ से हम पिक्चर पर क्लिक कर रहे हैं, फॉर्मेट टैब आ जाएगा, इसमें चेंज पिक्चर का समझ में आ गया, न्यू पिक्चर नहीं आती, जो पिक्चर है उसकी जगह पर दूसरी पिक्चर हो जाती है, और जो पिक्चर में फॉर्मेटिंग थी वही की वही फॉर्मेटिंग आपके सामने आ जाती है, आपको अलग से नहीं करनी पड़ती। अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है, साइड में ड्रॉप डाउन एरो, इस पर जाएंगे रीसेट पिक्चर और रीसेट पिक्चर एंड साइज, रीसेट पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो पिक्चर में आपने जो भी फॉर्मेटिंग की है, कुछ भी किया हुआ है, वो सब हटाना है आपको पिक्चर के अंदर से, तो आप यहाँ पर जाओगे और रीसेट पिक्चर पर क्लिक कर दोगे, हट जाएगा। ठीक है, उसके अंदर जो भी फॉर्मेटिंग की थी वो सब हट जाएगी, यहाँ से अपन इसमें कुछ इफेक्ट दे देते हैं। ठीक है, रीसेट पिक्चर पर क्लिक कर रहे हैं तो पिक्चर में जो फॉर्मेटिंग थी, कलर वगैरह है, जो भी किया था वो सब हट जाएगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन है रीसेट पिक्चर एंड साइज, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इससे पिक्चर के अंदर कोई फॉर्मेटिंग थी वो भी हट जाएगी और उसका साइज अगर आपने छोटा या बड़ा किया होगा वो भी हट जाएगा, जैसा साइज था वैसा हो जाएगा। क्लियर है इतना?
इतने में किसी को कोई डाउट है?